हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, राइट। बट कौन से सॉल्यूशन? ग्राफिकल सॉल्यूशन, राइट। कि अगर आप लोगों को कोई भी इनइक्वालिटी दी हुई है विथ टू वेरिएबल, तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड कर सकते थे, वो हमने डिस्कस किया था, राइट। इन विच यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, राइट। सो स्टेप्स कौन कौन से थे कि फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन लीनियर इक्वेशन, राइट। देन यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट विथ एक्सिस, राइट। कि यू हैव टू पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, राइट। देन पुट द वैल्यू वाई इज इक्वल्स टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। देन यू हैव टू चेक कि इनइक्वालिटी में इक्वालिटी दी हुई है कि नहीं। इफ़ इक्वालिटी गिवन है तो आप लोगों को क्या ड्रॉ करना है? डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। अगर इक्वालिटी गिवन नहीं है सो यू हैव टू ड्रॉ डॉटेड लाइन, राइट। एंड देन आप लोगों को उसका हाफ प्लेन फाइंड करना है, मतलब कि सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। और सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए यू हैव टू जस्ट चेक कि पुट इनइक्वालिटी यू हैव टू पुट 0 0, राइट। एंड अगर आप लोगों को मिल रहा है कि 0 0 0 वाले पोर्शन के लिए इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है, तो 0 0 जो भी हाफ प्लेन में है वो आप लोगों का सॉल्यूशन रीजन होगा, राइट। एंड अगर ट्रू नहीं है तो 0 0 जहाँ पे नहीं है वो वाला पोर्शन आप लोगों का सॉल्यूशन रीजन होगा, राइट। सो ये कुछ बेसिक से स्टेप्स है जो हमें हर एक सम में फॉलो करने, राइट। आज हमने कुछ सम्स का डिस्कशन किया था, आज हम लोग वही टाइप के सम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। कुछ सम्स हम देखेंगे, कुछ आप लोगों को खुद से ट्राई करने। बट वन थिंग कि जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप लोगों को 3 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं, राइट। सो यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन विथ प्रॉपर डिटेल्स, राइट। और वही डिटेल्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि हाउ to draw a graph of this particular questions, right? With पहले आप लोगों को details लिखनी है and then you have to draw the graph with pencils, right? So जब भी आप लोगों को अगर exam में भी graph है तो आप लोगों को graph pencil से ही draw करने, ओके। एंड प्रॉपर डिटेल के साथ उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, अदरवाइज आप लोगों को फिर फुल 3 मार्क्स नहीं मिल सकते, राइट। सो जब भी सॉल्यूशन लिखो तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एंड ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जब भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, सो उसके लिए हमें ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। इसका ही यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, राइट। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो हमने जो फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की थी, अभी एक्सरसाइज 6.2 में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को दिए हुए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कि आप लोगों को एक इनइक्वालिटी दी हुई है, इनइक्वालिटी इज व्हाट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, राइट। सो आप लोगों यू हैव टू स्टार्ट विथ कि गिवन इनइक्वालिटी इज एक्स प्लस वाई लेस देन 5, राइट। देन उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है कि इन द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एंड देन यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट विथ एक्सिस, राइट। सो बेसिकली क्या करना है, वाई इज इक्वल्स टू 0 लेना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू 0 लेना है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यू हैव टू फाइंड 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। फर्स्ट वन इज कि इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 5 0 एंड वाई एक्सिस एट 0 5, राइट। सो हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। नेक्स्ट यू हैव टू डू इज कि आप लोगों को चेक करना है कि लाइन के जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन में इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, इक्वालिटी है कि नहीं। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है कि इन द इनइक्वालिटी एक्स प्लस वाई लेस देन 5 द पॉइंट्स ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई आर नॉट बी इंक्लूडेड। हमें पता है कि इक्वालिटी नहीं है, सो जो लाइन के पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। सो वी हैव टू जॉइन दिस 2 पॉइंट विथ डॉटेड लाइन, राइट।
आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने फाइंड किए उसको किससे ज्वाइन करना है, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, राइट। सो कुछ इस तरह का ग्राफ आप लोगों को मिलेगा, ये हमारी डॉटेड लाइन, राइट, और ये हमारे जो दो थे वो थे इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। सो ये 05 एंड 50, राइट। सो दो इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया। नेक्स्ट स्टेप इज कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजियन, कि कौन सा रीजियन होगा, अपर हाफ की लोअर हाफ। सो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, यू हैव टू जस्ट टेक x एंड y इज इक्वल्स टू 0 एंड पुट दिस वैल्यू इन इनइक्वालिटी, राइट। सो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0, ओके, एंड देन चेक करना है कि इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है कि नहीं। सो वी गेट 0 लेस देन 5, विच इज़ ट्रू, राइट। सो इनइक्वालिटी ट्रू है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन से पोर्शन को कंटेन करेगा, जहाँ पे 0 0 है, राइट। सो द सॉल्यूशन रीजियन इज वॉट इज द पोर्शन कंटेनिंग 0 0, राइट, एंड हैंस द सेडेड रीजियन इज द रिक्वायर सॉल्यूशन, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो आप लोगों को लिखनी है, सेडेड रीजियन दैट मीन्स कि उसका लोअर हाफ, राइट। सो लोअर हाफ प्लेन जो है वो हमारा सॉल्यूशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि 0 0 कंटेन कर रहा है वो हाफ प्लेन, इसीलिए, राइट। सो जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज में, तो इतनी डिटेल्स के साथ आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इवन नोटबुक में भी आप लोग जब भी क्वेश्चन लिखो तो आप लोगों को थ्योरी पार्ट लिखना है, उसके बाद मैंने बोला वैसे कि पेंसिल से आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। ग्राफ पेपर पे आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आप लोगों को नोटबुक में ही ड्रॉ करना है। यू हैव टू जस्ट एज्यूम कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा और इस तरह से उसका ग्राफ ड्रॉ होगा, बट फिर ऐसे नहीं कि कुछ भी ड्रॉ कर दिया विथ पेन पेंसिल एंड स्केल, राइट। प्रॉपर ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना है, राइट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक इनइक्वालिटी दी हुई है, राइट। सो इनइक्वालिटी में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन इनइक्वालिटी, राइट, इनटू इक्वेशन उसको लिखना है, फिर x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है एंड उसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने, राइट। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के बाद यू हैव टू जस्ट चेक कि वो पर्टिकुलर लाइन के पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं, राइट। सो यहाँ पे इंक्लूड होंगे क्योंकि इक्वालिटी दी हुई है, राइट। सो हम लोग उसे किससे ज्वाइन करेंगे, बाय डार्क लाइन, राइट। सो डार्क लाइन से आप लोगों को उसे ज्वाइन करना है, राइट। सो कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो आप लोगों को मिलेगा, राइट, ये वाला ग्राफ आप लोगों को देखना है, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो डार्क लाइन से हमें 0 6 एंड 3 0 को ज्वाइन करना है, सो हमने कर दिया। देन हमें देखना है कि उसका जो सॉल्यूशन रीजियन है वो क्या होगा, एंड फॉर दैट यू हैव टू पुट 0 0, राइट। सो क्या करना है, 0 0 पुट करना है एंड इन इनइक्वालिटी, सो वी गेट 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, बट विच इज़ नॉट ट्रू, वी नो दैट, राइट। सो अवर सॉल्यूशन रीजियन इज वॉट, द रीजियन इज नॉट कंटेनिंग 0 0 इज रिप्रेजेंट बाय द गिवन इक्वेशन, राइट। सो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ कि जहाँ पे 0 0 नहीं होगा वो वाला जो पोर्शन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजियन होगा, राइट। सो ये अपर हाफ जो है वो हमारा सॉल्यूशन रीजियन होगा और उसको शेड करके आप लोगों को दिखाना है, राइट। पेंसिल से इसके पेंसिल से शेड करोगे तो भी चलेगा, लाइंस ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, राइट। बट मैं जैसा मैंने बोला कि अगर लाइंस भी ड्रॉ कर रहे हो तो विथ स्केल प्रॉपर आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है एंड लाइंस भी ड्रॉ करनी, ओके। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना है एंड इसको सॉल्व
करना है, राइट। सो फटाफट से हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू, राइट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को एक इनइक्वालिटी दी हुई है, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 12, राइट। सो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट, कि इनइक्वालिटी दी हुई है, फर्स्ट तो गिवन इनइक्वालिटी, ओके। उसके बाद आप लोगों को लेना है उसका लाइन इक्वेशन, देन y इज इक्वल्स टू 0 लोगे तो x इज इक्वल्स टू 4, एंड x इज इक्वल्स टू 0 लोगे तो y इज इक्वल्स टू 3। सो यू हैव टू इंटरसेक्शन पॉइंट 40 एंड 03, राइट। अब इक्वालिटी है यहाँ पे तो ऑब्वियसली लाइन के पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे इन द सॉल्यूशन रीजन। सो हमें क्या लाइन करनी है, डार्क लाइन करनी है ड्रॉ बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 40 एंड 03, राइट। सो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा, ओके, क्योंकि हमारी डार्क लाइन है और 03 एंड 40 को ड्रॉ करती हुई लाइन जो है वो आप लोगों को ड्रॉ करनी है, राइट। एंड देन हमें फाइंड करना है कि उसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो क्या होगा, राइट। सो सॉल्यूशन रीजन की हम लोग अगर बात करें, सो यू हैव टू टेक एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 0, एंड व्हाट विल यू हैव, 0 लेस देन और इक्वल्स टू 12 विच इज ट्रू, राइट। सो जो भी हाफ प्लेन 0, 0 को कंटेन कर रहा है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। द हाफ प्लेन कंटेनिंग 0, 0 इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, राइट, एंड इट इज शोन बाय शेडेड रीजन, राइट। तो ये जो लोअर हाफ है वो हमारा सॉल्यूशन होगा, ओके, जो 0, 0 को कंटेन कर रहा है, ओके। सो सिंपल से 4-5 स्टेप्स हैं जो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में फॉलो करने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनइक्वालिटी, y प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2x, राइट। सो हम लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2x माइनस y लेस देन और इक्वल्स टू 8, राइट। फिर उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो, देन पुट y इज इक्वल्स टू 0 एंड गेट x, देन पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड गेट y। सो यू हैव टू 2 इंटरसेक्शन पॉइंट 40 एंड 0 माइनस 8, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वालिटी है, सो ये जो पर्टिकुलर लाइन के पॉइंट्स होंगे वो भी इंक्लूड होंगे इन द सॉल्यूशन रीजन, राइट। सो वी हैव टू ड्रॉ डार्क लाइन, राइट। सो आप लोग, ओके, सो कैसा सॉल्यूशन वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि यू हैव टू ड्रॉ डार्क लाइन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 40 एंड 0 माइनस 8, राइट। एंड देन यू हैव टू चेक कि आप लोगों को अपर हाफ मिलेगा कि लोअर हाफ, राइट। सो आप लोग अगर 0, 0 लिखोगे, 0, 0 पुट करोगे इनइक्वालिटी में, सो आप लोगों को रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलेगा, राइट। एंड अगर रिजल्ट ट्रू मिल रहा है तो जो भी हाफ प्लेन 0, 0 को कंटेन कर रहा है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स कि ये जो अपर हाफ है वो हमें सॉल्यूशन में मिलेगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करने, ओके। सो ये पर्टिकुलर चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ आप लोगों को दिया हुआ है वो कौन से क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 4 का, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चन का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक इनइक्वालिटी गिवन है, राइट, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो उसको पहले लाइन में कन्वर्ट कर दो, राइट। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, देन यू गेट 2 इंटरसेक्शन पॉइंट विथ एक्सिस, राइट। अब ऑब्वियसली इक्वालिटी है तो लाइन के पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे इन सॉल्यूशन रीजन, सो वी हैव टू ड्रॉ डार्क लाइन ज्वाइनिंग 8, 2, 0 एंड 0, -2, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दिस थिंग्स, राइट, कि आप लोगों को करना क्या है, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है,
राइट जो भी पॉइंट जो भी जगह मतलब कि आप लोगों का जो भी क्वाड्रेंट में आ रहा है उसी क्वाड्रेंट में या तो उसी लाइन पे उसी जगह आप लोगों को उसे ड्रॉ करना है राइट. आप लोगों को पता है कि 0-2 वाई में नेगेटिव वैल्यू आ रही है सो नीचे के साइड आप लोगों को वो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो ड्रॉ करना है राइट. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी लाइन में नेगेटिव भी है एक्स की वैल्यू या तो वाई की वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है राइट. एंड देन यू हैव टू पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू 0 राइट. एंड वी गेट 0 लेस देन और इक्वल्स टू 2 विच इज ट्रू राइट. सो द हाफ प्लेन कंटेनिंग 0-0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी राइट. सो 0-0 कंटेन कर रहा है वो हाफ प्लेन कौन सा होगा अपर हाफ प्लेन फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन राइट. सो कुछ इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन के लिए ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है. ओके सो आई होप कि अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली आप लोगों को करना क्या है. ओके सो कुछ इस तरह से अगर आप लोग सॉल्यूशन फाइंड करते जाओगे तो इजीली आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो है वो मिल जाएंगे राइट. सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ राइट. सो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 2x-3y > 6 राइट. सो 2x-3y > 6 है तो फर्स्ट यू हैव टू कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन राइट. देन y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0 एंड यू गेट टू इंटरसेक्शन पॉइंट विथ एक्सिस राइट. देन हमें पता है कि इक्वालिटी यहाँ पे नहीं है सो जो लाइन के पॉइंट्स हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन रीजन राइट. सो वी हैव टू ड्रॉ डॉटेड लाइन राइट. सो डॉटेड लाइन हमें ड्रॉ करनी है सो कुछ इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा. लाइन पासिंग थ्रू 3, 0 and 0-2 कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है राइट. एंड देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजियन राइट. सो फॉर दैट यू हैव टू पुट एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 0 राइट. सो इफ यू टेक एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 0 देन यू गेट 0 > 6 राइट. एंड वी नो दैट कि विच इज़ नॉट ट्रू राइट. सो द हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग 0-0 इज द सॉल्यूशन रीजियन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी राइट. सो अवर सॉल्यूशन रीजियन इज वॉट लोअर हाफ प्लेन राइट. जो शेडेड पोर्शन है वो और मैंने पहले भी बताया आप लोग शेड भी कर सकते हो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो इट्स ऑल अप टू यू राइट. सो आप लोगों को जिस भी वे में कंफर्टेबल लगे आप लोग उस वे में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस लिख सकते हो राइट. प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए ऐसा नहीं है कि यही लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए राइट. आप लोग जैसे बॉक्स बना के पॉइंट्स फाइंड करते हो तो वैसे भी आप लोग इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हो वो पूरा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट यू हैव टू मेंशन कि एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है राइट. सो जो चीज़ चाहिए आप लोगों को दिखाना है कि लाइन के पॉइंट्स इंक्लूड हो गए कि नहीं होंगे मतलब कि डार्क लाइन होगी कि डॉटेड लाइन होगी राइट. उसके बाद सॉल्यूशन रीजन के लिए 0-0 के लिए दिखाना है कि इनइक्वालिटी ट्रू है कि नॉट ट्रू है राइट. उसके अकॉर्डिंग 0-0 को कंटेन करता हुआ सॉल्यूशन रीजन होगा कि 0-0 को कंटेन नहीं करता हुआ सॉल्यूशन रीजन होगा वो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है राइट. सो सिंपल सी चीज़ है आप लोगों ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट लाइन के ग्राफ्स तो ड्रॉ किए हुए हैं. नया इतना ही है कि आप लोगों को सॉल्यूशन रीजियन फाइंड करना है राइट. सो एडिशनल आप लोगों को 2 स्टेप्स करने हैं और वो आई थिंक आप लोगों को इतने हार्ड नहीं लगेंगे. सबसे इजी सम है और इसके आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेंगे राइट. सो मैं हो सके उतनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना राइट. और नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ की ग्राफिकल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे राइट. सो उसके लिए इसका आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 6.2 राइट. क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया. टोटल 10 क्वेश्चन है तो बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को होमवर्क में करने राइट. ओके सो थैंक यू.